एम श्योर आपने ये रेसिपी तो ट्राई नहीं की होगी, और वो भी सिर्फ एक कप गेहूं के आटे और दो बॉयल्ड आलू से, वो भी पूरी फैमिली के लिए। जब मैंने बनाया तो सबको बहुत पसंद आया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है एक कप आटा गेहूं का, और उसी कप से 1/3 मैदा, मतलब एक मुट्ठी बराबर मैदा, और थोड़ा सा उसमें चुटकी भर अजवाइन, चुटकी भर नमक और थोड़ा सा ऑयल मोयन के लिए। देखिए, अगर मोयन इसमें अच्छे से लगा होगा तो आपके स्नैक्स जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लेंगे। फिर इसे साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि आटा जो है अच्छे से सेट हो जाए, और तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है 2 बॉयल्ड आलू, उसे अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये रेसिपी जो है आप चाहे तो पूरा ही आटे से बना सकते हैं, जो इसमें थोड़ा सा मैंने 1/3 मैदे का यूज़ किया है उसे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप पूरा आटा ही यूज़ करें। हालांकि ये जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, ये स्नैक्स बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनते हैं, बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। तो इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और ढेर सारा इसमें धनिया भी मिक्स करना है। धनिया मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, पर आप लोग ज़रूर इसमें धनिया डालिएगा। और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर जो हमने आटे का डो तैयार किया था, उसकी 2 लोइयाँ बना लेंगे। दोनों लोइयाँ इक्वली हमें डिवाइड करनी है, क्योंकि इसकी हम 2 रोटियाँ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक रोटी जो है हम उसको बेल लेते हैं। रोटी को पतला एकदम बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। और यहाँ पे मैंने सूखे आटे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जो मैंने इसमें मोयन लगाया हुआ था उसी की वजह से ये चिपक नहीं रहा है, और अच्छे से इसकी रोटी मैंने बना करके तैयार कर ली है। और जितनी बड़ी आपसे बन सके उतनी आप इसकी बड़ी रोटी बनाइएगा। फिर जो दूसरी लोई हमने ली थी उसकी भी हम एक रोटी और तैयार कर लेंगे। फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके एक रोटी को पहले हम रखेंगे, उसके ऊपर हम आलू की स्टफिंग रख के चारों तरफ फैलाएंगे। अच्छे से चारों तरफ आलू की स्टफिंग को लगाना है, और साइड में इसमें हम हल्का हल्का सा पानी लगा लेंगे। फिर जो दूसरी रोटी हमने बनाई हुई थी उसको हम अच्छे से इसके ऊपर रख लेंगे, कि दोनों रोटियां जो है हमारी वो बराबर से आ जाएं, और इसके बीच में जो है वो हमारी आलू की स्टफिंग रहेगी। फिर चारों तरफ से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करना है, दबाना है, जिससे कि आलू की स्टफिंग जो है वो बाहर ना निकले। और फिर हल्के हाथों से सूखा आटा लगा के हल्का सा इसे बेल लेंगे, जिससे कि आलू की स्टफिंग जो है वो आटे में अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह से हमें इसको बेल लेना है, और फिर चाकू की हेल्प से हम इसे कट करेंगे। मैंने यहाँ पे स्क्वायर शेप दिया है इसको। आप चाहें तो आप किसी भी डिज़ाइन में, जो आपको पसंद हो या जो भी आपको डिज़ाइन पता हो, उस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डिज़ाइन बनाई हुई है। एक तो मैंने स्क्वायर में काट लिया है, फिर एक एक पीस उठा करके उसे इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से जितने भी स्क्वायर्स हमने काट के रखे हुए हैं उसका हम ये डिज़ाइन बना लेंगे। आप चाहे तो दूसरी डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो आपको आती हो। और जो दूसरी डिज़ाइन है वो मैंने इस तरह से बनाया हुआ है, स्टार शेप में। इस तरह से बना लेंगे दूसरी डिज़ाइन। जितने भी स्क्वायर्स मैंने बनाए थे सबके डिज़ाइन जो है बना करके मैंने तैयार कर लिया है। और फिर तेल को गर्म करेंगे, फिर एक एक करके सब ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम को स्लो टू मीडियम रख के फ्राई करना है। इसे अच्छे से फ्राई होने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। और आपको आज की मेरी ये स्नैक्स रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें पूरा देखने के बाद, और शेयर करें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लीजिए, बनके तैयार है हमारा टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।